अपडेट यहां पर आ रहा है, दर्शकों को सीधे पुणे लिए चलते हैं। बड़ा मामला, कार से रौंदने के बाद आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुणे पुलिस का क्या कुछ कहना है, देखते हैं। कोई हमारा कोई हमें उचित नहीं समझता, लेकिन मैं इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस ने लीगल एक्शन लिया है और प्रॉपर लीगल मार्ग पे चला है। फिर भी अगर किसी को कोई इसमें सुझाव है जरूर हमारे पास आए। मैं ऑफिस में हूं, मैं ऑनलाइन डिबेट में जाने को तैयार हूं, एंड वी विल ट्राई एंड प्रूव टू ऑल कंसर्न ऑल स्टेक होल्डर्स वी हैव अडॉप्टेड द मोस्ट स्ट्रिंजेंट पॉसिबल अप्रोच एंड वी शैल डू वॉट एवर इज एट आर कमांड टू एंश्योर दैट द टू यंग लाइफ विच वर लॉस्ट गेट्स जस्टिस एंड द अक्यूज्ड गेट्स ड्यूली पनिश्ड। Let us not get into the intricate details of the investigation at this point of time. We shall duly inform you at the appropriate time. सर, हे पर्वानी बार जे आहे ज्या ठिकाणी आरोपी गेले होते की मृत्यू व्यक्ती गेले होते ते उशिरापर्यंत चालू होते असं निदर्शनच आलेलं आहे। तिथले स्थानिक पोलीस आणि सामाजिक सुरक्षा बघा, जे लार्जर इशू आहे, एक लार्जर इशू नाही म्हणणार आम्ही, डिफरंट एक इशू आहे ओवर अबाउट द न्यूसेन्स ऑफ पब्स कल्याणी नगर मध्ये इन पर्टिक्युलर अँड पुण्या शहरात इन जनरल। त्या विषयावर दोन तीन गोष्टी आहे, एक आहे पब्सचे टायमिंग विषयी, एक आहे डिसऑर्डरली कंडक्ट आउटसाइड पब्स ज्यावेळी पब्स छूटतात, आणि नंबर थ्री आहे अंडर एज ड्रिंकिंगचे विषय। पब्स जे उशिरापर्यंत चालतात, मी चार्ज घेतल्यापासूनच आमची भूमिका आहे की ती 1:30 जे अधिकृत टाइम आहे त्यावर बंद व्हायला पाहिजे। मी रेसिडेंट्स असोसिएशन आणि सर्व स्टेक होल्डर्सशी संपर्कात पण आहो। आपण कोणालाही विचारले तर या गोष्टीवर किंवा हुक्काचे सर्व्हिसचे जे प्रमाण होता त्या सर्व प्रकरणावर 80-90% मध्ये शहरात सुधार आहे। या प्रकरणात पण काही उशिरापर्यंत एस्टॅब्लिशमेंट चालत होता अशा प्रकारचे प्रथम दर्शनी सीसीटीव्ही फुटेजवरून दिसत नाही। परंतु अंडर एज ड्रिंकिंग आणि डिसऑर्डरली कंडक्ट किंवा ट्रॅफिक कंजेशन आउटसाइड बार्स आणि एस्टॅब्लिशमेंट्स, त्यामध्ये जे पार्किंग स्पेस बिल्डिंग प्लॅन मध्ये आहे त्यांचे चेंज ऑफ यूजचे विषय आहे, यामध्ये महानगरपालिका, कलेक्टर ऑफिस, एक्साइज डिपार्टमेंट याचे सोबत मिळून आम्ही अत्यंत कडक भूमिका पुढच्या काळात घेणार आहे। याची पूर्ण रूपरेखा आपल्याला 2-3 दिवसात आमची पोलिसांची काय भूमिका राहणार आहे त्याबद्दल करू, आणि ते कायमस्वरूपी ते चित्र बदलेल याच्यासाठी आम्ही विचाराधीन आहे। सर, वडिलांना कुठून अटक केली? वडिलांना कुठून आणि कधी अटक केली? ताब्यात घेतली आणि चौथा आरोपी जो आहे, म्हणजे टोटल किती आरोपी आतापर्यंत अटक झाले? टोटल एफआयआर में 5 आरोपी थे, उसमें से 3 आरोपियों को कल हमने लेट नाइट अरेस्ट किया, उनको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। जो उसके फादर है और जो एक और आरोपी था उसको आज ताबे में, फादर को औरंगाबाद, वो फरार था परसों से, उसको आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में औरंगाबाद से एक होटल से उसको ताबे में लिया गया है और उसको ट्रांजिट पे यहां लाया जा रहा है। ट्रांजिट पीरियड जो जब तक वो पहुंचेगा उसके बाद जो भी मेडिकल और बाकी फॉर्मेलिटीज है करके उसको कल कोर्ट में ये दोनों आरोपियों को प्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब उधर औरंगाबाद में पहले प्रोड्यूस कर? नहीं, औरंगाबाद में प्रोड्यूस नहीं, उनको ताबे में लेके आ रहे हैं। डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, ट्रैफिक कंजेशन रहता है, आते आते शाम शायद हो जाए, आने के बाद उनको हम कल प्रोड्यूस करेंगे। सर, औरंगाबाद से कौन कौन है? फादर एंड father, only the father, the other person has been detained in New Bombay area. His arrest formalities will also be done today evening. Sir, black pub jo ahe tyachyat apan nemka konala malkala attack keli ki manager la? मला प्रत्यक्ष नाव आता नाही है, एफआयआर ऑलरेडी काल आम्ही सर्क्युलेट केले होते। एफआयआर मध्ये जे 5 लोग नमूद आहे ते 5 लोकांना आता सध्या अटक करण्यात आलेली आहे, 3 काल 2 आज। यामध्ये तपास क्राईम ब्रांच करत आहे, आणखी जे जे आरोपी निष्पन्न होतील ते सर्वांच्या विरुद्ध कारवाई। आपली जी कोर्टाकडे डिमांड आहे ज्यांना अडल्ट केस म्हणून ट्रीट करावती, वी आर ऑलरेडी इन टच विथ द डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नमेंट लीडर, वी आर मेन्शनिंग इट टुडे, वी होप टू हॅव द आर्ग्युमेंट अँड द जजमेंट टुडे, बट वी विल नॉट बी एबल टू कमेंट विथ श्योरिटी वेदर इट इज गोइंग टू कम टुडे ऑर नॉट।
but we are trying to get it expedited as early as possible with the resources we have at our command. सर त्या मुलाचं नेमकं वय किती आहे? 17 वर्ष 8 महिने. त्यांनी वयला बोलू असे काही आरोप होते? अशा काही नाहीये. जे बर्थ सर्टिफिकेट सुरुवातीला प्रथम दिवशी आला होता त्याबद्दल काल काही प्रसार माध्यमांनी या विषयावर आक्षेप व्यक्त केला होता. त्यांचे जे कॉलेज आहे ते स्कूल कॉलेज जे आहे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन जे आहे तिथून बोनाफाईड सर्टिफिकेट ताब्यात घेण्यात आलेली आणि त्यामध्ये ते सेम एज आहे. तो आपको बता दें पुणे में जो कार हिट एंड रन का मामला था जिसमें जो नाबालिग लड़का था उसके पिता को हिरासत में लिया गया और बाद में इस पूरी घटनाक्रम में आपको बता दें कि 2 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी पुणे पुलिस द्वारा की गई. 5 लोगों के नाम की बात यहां पर पुणे के जो कमिश्नर है पुलिस कमिश्नर अमितेश उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है और साथ ही साथ आज कोर्ट में इन लोगों को पेश किया जाएगा. तो आपको बता दें कि नाबालिग के पिता और पब के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. ये 3 के फिलहाल पुलिस गिरफ्तारी हुई है. 2 अभी भी बाकी है जिनकी गिरफ्तारी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है. आज इन 3 को कोर्ट